वेलकम चिल्ड्रन। तो आज हम आपके अपने फेवरेट चैनल पे करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 1 अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी के PYQs। तो केवल वो क्वेश्चंस करेंगे जो बार बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले पूछा गया है, ये जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, 2014 में भी पूछा गया और उसके बाद भी। आई ट्राई टू साउंड सिवियर, मैंने सीरियस दिखने की कोशिश करी। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डू नॉट कट हिज फूड Write down and give him more exercise. He is going to be really ill. तो यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं, जेम्स हेरियट, वो बात कर रहे हैं मिसेस पम्फ्रे से, उनके डॉग ट्रिकी के बारे में, कि अगर अब आपने इसकी डाइट ठीक नहीं करी, इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं रखा, इसको एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा और ये बहुत बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट। वो कहते हैं अपने दिल पे पत्थर रख लो और इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना, नहीं तो ये बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो ये लाइंस हमको दी गई हैं, इसके बेसिस पे हमको इन क्वेश्चंस का आंसर्स करना है, ठीक है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड सीवियर। यहाँ स्पीकर कौन है? डॉक्टर साहब। वो सीवियर, सीरियस होने की कोशिश क्यों करते हैं? द स्पीकर ट्राई टू साउंड सीवियर टू मेक मिसेस पम्फ्रे टेक हिज एडवाइस सीरियसली। वो इसीलिए सीवियर या इसलिए सीरियसली बात करते हैं ताकि जो मिसेस पम्फ्रे हैं, जो डॉग की ओनर है ट्रिकी की, वो उनकी बातों को सीरियसली ले। नेक्स्ट, फॉर हुम वॉज द एडवाइस गिवन एंड व्हाई। जो एडवाइस थी वो किसके लिए दी जा रही थी और क्यों दी जा रही थी? द एडवाइस वॉज गिवन, सॉरी ये गिवन है, GIVN, फॉर ट्रिकी बिकॉज ही हैड बिकम ओबेस एंड वॉज अनवेल। ये जो एडवाइस है ये ट्रिकी उस डॉग के लिए दी जा रही थी जो खा खा के बहुत ज्यादा मोटा हो गया था और अब ठीक भी नहीं था, बीमार हो गया था। फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच इज अ सिनोनिम फॉर सीरियस। सीरियस का सिनोनिम क्या होगा? सीरियस का सिनोनिम है सीवियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटोनिम? एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। हार्डन का विलोम शब्द क्या होगा? इट्स एंटोनिम इज सॉफ्टन। तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट। पुअर ओल्ड लैड आई सेड, यहाँ पे डॉक्टर साहब किसकी बात कर रहे हैं? डॉग की बात कर रहे हैं। You haven't a kick, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, in you, but I think I know a cure for you, मैं तुम्हारे लिए कोई इलाज जानता हूँ। Children, ये वाला question पूछा गया है CBSE 2012 में, ठीक है? तो question number 1, why does the speaker say poor old lad? तो जो डॉक्टर साहब हैं, जो स्पीकर हैं इन लाइन्स के, वो यह क्यों कहते हैं poor old lad? The speaker addresses Tricky as poor old lad because he is unwell and listless. वो इसको poor old lad इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अनवेल है, मतलब वो बीमार है, और लिस्टलेस मतलब उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। व्हाट क्योर डिड द स्पीकर नो? क्योर का मतलब होता है इलाज। उसका जो क्या ट्रीटमेंट जानते थे स्पीकर? द स्पीकर न्यू दैट द क्योर फॉर ट्रिकीज इलनेस इज टू पुट हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट। वो बस ये जानते थे कि इसका एक ही इलाज है कि इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे डालना पड़ेगा, इसका मीठा जो है बंद करना पड़ेगा, केक्स वगैरह बंद करने पड़ेंगे और इसको रेगुलर एक्सरसाइज देनी पड़ेगी। What is the meaning of a kick in the extract? Kick का क्या मतलब है? The phrase means any alertness, मतलब उसमें कोई भी अलर्टनेस नहीं थी, जैसे डॉग होते हैं ना एकदम अलर्ट हो जाते हैं, दरवाजे पे खटखट होती है तो हम भाग के जाएंगे। Write a synonym of cure. Cure का synonym क्या होता है? Heal, ठीक है, ठीक होना। इसके बाद चिल्ड्रन आपको करा रहा हूं वो 2 marks के क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं, 2015 में भी CBSE ने पूछा है। What made James Herries expect a call from Mrs. Pumphrey? किस बात से James Herries को ये उन्होंने expect कर लिया था, पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि बहुत जल्दी ही Mrs. Pumphrey उनको call करने वाली है। तो हुआ ये था, James Herries saw the condition of Tricky while Mrs. Pumphrey was walking with him in the street. James Herries ने Tricky की condition को देख लिया था जब Mrs. Pumphrey उसको street में घुमा रही थी। क्या condition हो गई थी? Tricky had become this much fat that he was unable to walk properly. भाई वो खा खा के इतना मोटा हो गया था कि उस पे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तो डॉक्टर साहब ने पहले ही अंदाजा लगा लिया कि बहुत जल्दी ये बहुत ज्यादा बीमार होने वाला है, और जब ये बीमार हो जाएगा तो मिसेस पम्फ्रे जो है मुझे कॉल करेगी। दिस मेड, ये पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी कर दी, ठीक है। एक और देखिए, बार बार पूछा जाता है ये वाला 2 marks में ये क्वेश्चन शॉर्ट में। Do you think Tricky was enjoying his stay at the hospital? क्या आपको लगता है जब Tricky हॉस्पिटल में गया तो वो वहां पे enjoy कर रहा था अपना stay? तो हुआ ये था कि डॉक्टर साहब उसको हॉस्पिटल ले गए थे क्योंकि उनको पता था अगर मैं यहाँ रखूंगा
तो जो मिसेस पंपरे है वो फिर से खिलाएगी इसको मीठा केक वगैरह, तो ये इसको ठीक हो, ऐसे ठीक नहीं होगा। तो यस, ट्रिकी वॉज डेफिनेटली इंजॉइंग हिज स्टे एट दी हॉस्पिटल। यस, ट्रिकी जो है पूरी तरह से इंजॉय कर रहा था अपना स्टे हॉस्पिटल में। क्यों? ही हैड न्यू फ्रेंड्स एट दी हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में और भी डॉग्स थे, उनके साथ सोना, उठना, खेलना, एक्सरसाइज करना, पूरे दिन इधर से उधर घूमना, तो उसका मन लग गया था। ही हैड ऑल्सो बिकम वेरी एनर्जेटिक। अब जब वो घर से आया था तो बहुत ज्यादा मोटा था, चल फिर नहीं पाता था ठीक से, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गया था। ही यूज टू प्ले एंड रन ऑल डे लॉन्ग विद द डॉग्स। वो उनके साथ भागता था, खेलता रहता था पूरे दिन। ही वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो हम ये कह सकते हैं जो ट्रिकी है, क्योंकि उसको दूसरे डॉग्स की कंपनी मिल रही थी, टाइम पे खाना वगैरह मिल रहा था और प्रॉपर डाइट का ध्यान रखा जा रहा था, तो उसे मजा आ रहा था। अब मैं बात करूंगा चिल्ड्रन ऐसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो बार बार सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम में पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है ये, 2015 में भी पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। पेन डाउन इंसिडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ वैल्यूज वन शुड इनकलकेट फ्रॉम जेम्स हैरियट। तो जेम्स हैरियट एक ऐसे डॉक्टर थे भाई जिन्होंने ट्रिकी का इलाज बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी दवाई का कर दिया था। ठीक है, नहीं तो आजकल के आप डॉक्टर देखते हो कि आपको होगी जरा सी तकलीफ, वो कहेंगे अरे चीरा लगवा लो, अरे ऑपरेशन करवा लो, अरे इसमें तो ये लगेगा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि हमको वो क्वालिटीज बतानी है जो सबको जेम्स हेरियट से सीखनी चाहिए, ठीक है, जो उनकी क्वालिटीज को दिखाती है। मिस्टर हेरियट वॉज कैपेबल वेटनरी सर्जन हु ट्रीटेड ट्रिकी। ट्रिकी का इलाज किसने किया था? मिस्टर हेरियट ने किया था। ही वॉज अ कंपशनेट डॉक्टर एंड वाइज एंड सिंपथेटिक ह्यूमन बींग। ठीक है, वो बहुत दयालु थे, सिंपैथेटिक थे। ही शोड हिज कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट इमीडिएटली व्हेन ही एडवाइज्ड मिसेस पम्फ्रे टू पुट ट्रिकी ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट। और हमको ये वाली बात तभी पता चलती है, भाई वो तो डॉक्टर है, वो तो ये भी कह सकते हैं इसको और मीठा खिलाओ ताकि उनके पैसे बने, लेकिन हमको ये पता चलता है कि वो अपने जॉब को कितना सीरियसली लेते हैं, कि उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को ये एडवाइस दे दी थी कि भाई अपने डॉग को स्ट्रिक्ट डाइट पर रखो। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हिज सिम्टम्स ही कैन ऑल्सो बी सेड टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड टैक्टफुल पर्सन। ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू फ्री ट्रिकी फ्रॉम द स्पॉइलिंग लव ऑफ मिसेस पम्फ्रे फॉर हिज ट्रिप। और उनको ये भी कहा जा सकता है कि वो इतने स्किलफुल थे, उनको उन्होंने इस वाली बात का अंदाजा पहले ही लगा लिया था कि ट्रिकी को जब तक उस घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा मिसेस पम्फ्रे के, तब तक ये ठीक नहीं होगा। तो वो समझ गए थे और इसीलिए उसको उन्होंने सोचा कि चलो इसको आप अपनी सर्जरी यानी अपने हॉस्पिटल ले चलते हैं। ही डज नॉट ऑपरेट अपॉन द पुअर डॉग अननेसेसरली एंड अडॉप्ट्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू ट्रीट हिम। और उसका बेफालतू में कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं करते या बेफालतू की कोई दवाइयां नहीं चलाते, बस एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं, और वो क्या थी? अच्छी डाइट। मिस्टर जेम्स वॉज अ केयरिंग एंड पोलाइट इंडिविजुअल एंड ही सक्सेसफुली एलेज मिसेस पम्फ्रेज एंग्जाइटी अबाउट ट्रिकीज रिकवर पेशेंटली। और उसको बताते रहते हैं फोन पे मिसेस पम्फ्रे को कि अब उसका ये हाल है, अब ये हाल है, अब ठीक हो गया है। ही वॉज इन ऑल अ गुड ह्यूमन बींग एंड सक्सेसफुल प्रोफेशनल। ना केवल वो एक अच्छे इंसान थे, वो एक अच्छे डॉक्टर भी थे। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, 2012 में भी पूछा गया है। डू यू थिंक पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्रे एग्जिस्ट। क्या आपको लगता है मिसेस पम्फ्रे की तरह पेरेंट्स होते हैं? इफ यस, इट इज अ गुड थिंग टू पैम्पर चिल्ड्रन। क्या आपको लगता है कि बच्चों को जरूरत से ज्यादा पैम्पर मतलब लाड़ प्यार करना चाहिए? वाय, अगर क्यों तो क्यों, अगर क्यों नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, तो आपको मतलब रीजन देना है। यस, पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्रे डेफिनेटली इट्स इट। हाँ, होते हैं कुछ पेरेंट्स ऐसे, दीज पीपल स्पॉइल देयर चिल्ड्रन बाय मेकिंग श्योर ऑल देयर डिमांड्स आर मेट। तो आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स आपके अड़ोस पड़ोस में बच्चा जो मांग रहा है भाई साहब वही उसको दे रहे हैं, जो खाने के लिए कह रहा है वही खिला रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पैसे दे रहे हैं। दे स्पॉइल देयर चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ लव एंड केयर। और इस तरह से वो बच्चों को बिगाड़ देते हैं प्यार के नाम पे, केयर के नाम पे। दे नॉट ओनली फीड देम जंक बट ऑल्सो स्पॉइल देयर सोशल फूड। न केवल उनको वो जंक फूड खिलाते, उनकी जो सोशल हैबिट्स हैं वो भी बिगाड़ देते हैं। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज वेरी हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन। इस तरह का जो बिहेवियर है बहुत ज्यादा खराब है बच्चों के लिए। सच ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटल बिहेवियर हिंडर्स देयर ग्रोथ एज एडल्ट। और जब ये वाले बच्चे एडल्ट बनते हैं, बड़े बनते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इन फैक्ट इट सोज द सीड्स ऑफ ग्रीड एंड डिपेंडेंसी इन देम। अब क्योंकि इन बच्चों को स्टार्टिंग से कुछ करना ही नहीं पड़ा, जब पैसे मांगे पैसे मिल गए, जब कुछ मांगा वो मिल गया, नया फोन मिल गया, तो इन लोगों को एक डिपेंडेंट हो जाते हैं ये हमेशा दूसरों पर। दे बिकम स्टबर्न एंड डू नॉट लर्न वैल्यू एनीथिंग।
और ये जिद्दी भी बन जाते हैं ऐसे बच्चे, और इनके अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं आती। फॉर देम हार्ड वर्क इज अ मिथ एज दे गेट एवरीथिंग इजीली। इन बच्चों के लिए तो हार्ड वर्क जो है एक मिथ है, ठीक है, क्योंकि इनको हर चीज आसानी से मिल जाती है। ओवर पैम्पर्ड चिल्ड्रन ऑफन फेल टू फेस द हार्डशिप ऑफ लाइफ लेटर। और जो ओवर पैम्पर्ड बच्चे होते हैं बाद में ये जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनको सह नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि इनके लिए तो लाइफ एक केक वॉक है, जैसा इनको स्टार्टिंग से बना दिया मम्मी पापा ने। पैम्परिंग चिल्ड्रन इन मॉडरेशन इज हेल्दी। हाँ, थोड़ा बहुत लाड़ प्यार करना बच्चों को ठीक है, बट एक्सेस ऑफ इट इज हार्मफुल। लेकिन जरूरत से ज्यादा करना भाई हार्मफुल है। इट इज नॉट जस्ट बैड फॉर ह्यूमंस बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स। ना केवल ये इंसानों के लिए बुरा है बल्कि जानवरों के लिए बुरा है। एज वी सी इन द स्टोरी ट्राइम्पोप, जैसा कि हम ट्राइम्पोप सर्जरी में देखते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कॉमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस। ट्रिकी जो इतना खा खा के मोटा हो गया था, बीमार हो गया था, इसके लिए जिम्मेदार कौन था? जेम्स हैरियट थे, मिसेस पम्फ्रे थी, या दूसरे डॉग्स थे, या नन? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। प्लीज मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको और वीडियोस इसी तरह से चाहिए या नहीं चाहिए, हर चैप्टर के PYQs जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सो आई होप, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।